अपील करते हैं अपने समाज के सभी लोगों से कि जो बहुजन यूथ फोर मिशन के तहत 2 अप्रैल भारत बंद में जब हमारे जो नौजवान शहीद हो गए थे या जिन पे मुकदमे हो गए थे, तो उनके सम्मान में उनकी याद में कुछ प्रतिमाएं बनवाई गई हैं जो उनके गांव-गांव में जाके उनको स्थापित किया जाएगा और उनको सम्मान दिया जाएगा, उनको पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। तो हम अपने समाज से और अपने युवाओं से, अपने नौजवान साथियों से यही अपील करते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और अपना सहयोग दें, ताकि आने वाली पीढ़ी को और उनके जो शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को, उनके माँ बाप को ये महसूस ना हो कि हमारा जो बलिदान है या हमारे जो बच्चे शहीद हुए हैं वो बेकार गया है। तो मैं यही अपील करने के साथ साथ आश्वस्त करता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज के लोगों को लेकर वहाँ दिल्ली में पहुँचेंगे। जिला ही नहीं बल्कि पूरा देश प्रभावित हुआ है और उस प्रभाव में यहाँ प्रशासन ने लगभग 23 मुकदमे पंजीकृत किए, जिसमें जनपद सहारनपुर में एक चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण के द्वारा जो एक संगठन तैयार किया गया, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम से संगठन तैयार किया गया, और उस संगठन का महज उद्देश्य ये था कि केवल सामाजिक कार्य किया जाएगा और समाज उत्थान के प्रति वो लोगों को जागरूक कर रहे थे। जो बात हमारी कुछ जो बिरादरी, जो राजपूत बिरादरी थी, उन लोगों को पसंद नहीं आई और वहाँ एक तैयार जो महाराणा प्रताप जयंती को लेकर एक तैयारी की गई, उसमें सब्बीरपुर कांड हुआ जहाँ पर हमारे लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया गया, घायल किया गया, काफ़ी लोगों को चोटें आई, यहाँ तक कि वहाँ के प्रधान, तत्कालीन प्रधान शिव कुमार जी जो सामान्य सीट पर प्रधान बने थे, और सामान्य सीट पर प्रधान होने के बाद उनके द्वारा वहाँ जयंती में जो लोग तलवारबाजी और हथियारों को का नग्न प्रदर्शन कर रहे थे, महज उनको रोकना चाहा था और उसके बाद उन लोगों ने जातिगत तौर पर वहाँ हिंसा की। हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जो स्टेचू थी उसको भी खंडित किया गया और वहाँ बुरी तरह उन लोगों के द्वारा एक नंगा नाच नाचा गया, यहाँ तक कि वहाँ काफ़ी लोग घायल हुए, पशु भी घायल हुए हैं। और उसके बाद वही लड़ाई अगली बार तक केवल एक सामाजिक आंदोलन बनकर रही, जिसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ भी कार्यक्रम किए गए, पूरे देश विदेश में भी कार्यक्रम हुए। जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं उनके द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया, उस मूवमेंट के तत्वाधान में हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के द्वारा, जिस प्रकार हमारे भाई शशि जी हैं, बालक राम बौद्ध जी हैं, इन्होंने इस बात को पूरे देश में मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व तक, जहां तक अपनी बिरादरी के लोगों का निवास था वहां तक इस जन जन में इस लड़ाई को शामिल होने के लिए अग्रसित किया, सब लोगों को सहयोग की अपील की, जिसके लिए दिनांक 2 अप्रैल 2018 को एक दूसरा मूवमेंट हुआ। और उस मूवमेंट में हमारे समाज के जो बच्चे थे, जो नवयुवक थे, जिनके अंदर समाज के प्रति डेडिकेशन और समाज को जागरूक करने, महज उनकी लड़ाई को लड़ने और अपने समाज के मान सम्मान के लिए जो उनके अंदर जज्बा था, उसी जज्बे के तहत वे लोग शहीद हुए, जिसमें हमारे पवन सागर, दीपक मित्तल जाटव, राकेश टमोटिया, मित्तल प्रकाश, जगरूप उर्फ दरस्त, आकाश, प्रदीप सिंह, जसवंत उर्फ बोबी, अमरेश, गोपी, अंकुर, हर विलास, निखिल, ये सभी बच्चे वे थे जो अपने समाज के लिए जज्बे में शहीद हो चुके हैं। और उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे बड़े भाई बालक राम बौद्ध जी ने इस मिशन को उठाया। मैं बेहद खुश हूँ इस बात से कि उन्होंने ये निमंत्रण दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद, साधुवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस डिस्पर्स कास्ट के अंतर्गत इन शहीदों के मान सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके लिए एक मन से बिल्कुल इनका सहयोग करने के लिए हर प्रकार से साथ देंगे। दूसरी बात यह है कि जो ये बच्चे शहीद हुए हैं, इन बच्चों की जो स्थिति, जो हमारे समाज में एक इतिहास के पन्नों पर रची जाएगी, उसमें हमारे भाई शशि जी और हमारे बालक राम जी का एक अहम योगदान है, इनकी पूरी टीम का अहम योगदान है। हम पूरी टीम को धन्यवाद अदा करते हैं कि वास्तव में उन्होंने इस समाज के दबे कुचले परिवेश में रहने वाले बच्चे, जो दिनांक 2 अप्रैल 2018 को अपने जीवन को की अहलीला समाप्त कर चुके हैं, महज समाज की लड़ाई और सम्मान के लिए, उन बच्चों को बार बार
हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान बुद्ध से कि इनको अपने चरणों में ले, इन्हें स्थान दे, और भाई बालक राम जी और शशि जी को और इनकी पूरी टीम को इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा हमेशा के लिए एक बल प्रदान करें, ताकि ये समाज के ऐसे उन दबे कुचले और डिस्प्रेस लोगों के लिए जिनको कभी किसी ने उठने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया, चलने नहीं दिया, हमेशा उनको कुचलने का काम किया है, उनके प्रति लड़ाई लड़ने और इनको सामाजिक न्याय, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में इनके अधिकारों के प्रति इनको जागरूक करने के लिए जो इन्होंने मिसाल जलाई है, ये हमेशा हमेशा युगों युगों तक जलती रहेगी। और हमारा समाज इनसे प्रेरणा लेकर समाज के प्रति डेडिकेशन की भावना को जो रूप देगा, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई मिसाल और कोई लड़ाई सामाजिक परिवर्तन की नहीं हो सकती। जो बहुजन यूथ फॉर मिशन 2019 में जो बहुजन सम्मान महासभा के तत्वाधान में दिनांक 13 जनवरी 2019 को की जा रही है, और इसके लिए प्रातः समय भी निर्धारित किया गया, प्रातः 10 बजे स्थान रामलीला मैदान नई दिल्ली। मैं आप सभी लोगों से जो भी इसको सुनेंगे, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि भारी संख्या में आप आएँ और इन शहीद बच्चों की आत्मा को शांति के हेतु एवं उनके परिवार के मान सम्मान और उनको उन बच्चों को श्रद्धांजलि हेतु सब लोग एक मंच पर आएँ, ये मेरी आपसे अपील है। 14 अप्रैल को मैं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का सामना करनी थी, तो हमें इस बारे में परमिशन की सरकार नहीं थी। उसके बाद में हमने मूर्ति का सामना नहीं करी, जी परमिशन नहीं मिली। हमने पक्ष और विपक्ष दोनों को समझाया, मेरी बात को मान के दोनों भाइयों की और समाज की बात माननी हमने। उसके बाद में 5 मई आई 2017, तो इन लोगों ने आकर हरदंगा काम करना शुरू कर दिया। हमने इस टाइम को फ़ोन कराया, एसडीएम फ़ोन करने के बाद हमने एसडीएम बोला, मगर अगर कोई आपने इन्हें परमिशन दी हो महाराणा प्रताप की 5 मई की तो बताओ। तो उन्होंने कहा नहीं प्रधान जी, परमिशन तो कोई नहीं है। मगर जी परमिशन हमें नहीं दी, बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति का अपना स्थापना करने के लिए नहीं दी थी 14 अप्रैल को। तो खैर एसडीएम ने एक काम बढ़िया कराया, उसने इंस्पेक्टर को फ़ोन करा, इंस्पेक्टर ने तुरंत ही गाँव में आए। इंस्पेक्टर ने जो डिगे जो अर्धगा काम कर रहे थे वो लोग, ठाकुर लोग महाराणा प्रताप की जो मूर्ति निकालनी चाह रहे थे स्थापना, मतलब उसने इंस्पेक्टर तुरंत ही एकदम डिगे वापसी करा दिया। तो डिगे वापसी कराना जहाँ से 5 किलोमीटर दूर पड़ा हमारे से गाँव से मिलाना, तो वहाँ पहुँच गए, इनकी शोभा यात्रा निकलवा दी हमने, चुपचाप चले गए, कोई दिक्कत नहीं, दर्शन करा ना दर्शन हुआ। उसके बाद में फिर 15-20 मिनट के बाद में वो इंस्पेक्टर और सभी ठाकुर लोग गाँव आए, गाँव आया करना बत्ती में जगरी, गाँव आया करना अग्नि लगाई रविदास जी महाराज के मंदिर में, उन्होंने घुस के बत्ती में जगरी और तो मूर्ति तोड़ाई। चलो खैर वो तो जो कुछ हुआ तो हुआ। उसके बाद में 2 अप्रैल 2018 में जो लड़के जो उसके संविधान के बचाने के अपने उसमें थे, भाई संविधान बचाए अपना, सभी जो हमारी जाति है गरीब जाति के लिए बाबा साहब ने कराया है काम, उसे यह चाह रहे भाई इनका गरीबों का जो है कोई फायदा ना होना चाहिए, इसे जो SC ST से हजारा चाहिए। तो उन लड़कों ने बचाना बलिदान दिया, और बलिदान दिया तो पुलिस में सामने सरकार पर गोली चलाई, मरवा दी उन लड़के में, पूरा भैया हाल हुआ, 14 लड़कों की जान गई, पूरे हिंदुस्तान को लेकर में जिसका वो चल रहा था धरना प्रदर्शन। अच्छा बस हम तो इतना ही कहना है, हम उनके साथ हैं, बच्चों के हमेशा वाले साथ रहेंगे, उनके माँ बाप के साथ रहेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, और जो बच्चे हैं बेचारे उनका जीवन जो हुआ तो हुआ लेकिन उनकी आत्मा को शांति दे। और हमारे गांव से भी काफ़ी आदमी आपके पास आएंगे, दिल्ली प्रोग्राम में सफल बनाएंगे। 2 अप्रैल को जो आंदोलन भारत बंद हुआ था SC ST के विरोध में, मेरा बेटा उपकार बावरा मुजफ्फरनगर कारागार में बंद है, उन पर NSA लगाई गई है। ये मनुवादी सरकार जो है, जो आदमी अपने हकों की लड़ाई लड़ता है, समाज के हकों की लड़ाई लड़ता है, उस पर यही अत्याचार करती है। और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, कोई बात नहीं है, एक ही बेटा है, लड़ते रहेंगे, समाज की लड़ाई लड़ते रहेंगे। शोभापुर निवासी है, हमारे शोभापुर के सभी लोग 13 जनवरी को रामलीला मैदान में अपने सभी साथियों और जन समूह के साथ रामलीला मैदान में पहुंच रहे हैं।
हमारे जो सम्मानित साथी हैं जो 2 अप्रैल में जो लोग हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए हम उनके सम्मान में रामलीला मैदान में अपने साथियों के साथ उपस्थित हो रहे हैं पूरे जन समूह के साथ। मैं गोपी पारिया का भाई बोल रहा हूँ। मैं बहुत सम्मान की बात है कि हमारे समाज के लोग इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं कि जो हमारे भाई शहीद हुआ है उसकी प्रतिमा की आई है। हमें बहुत खुशी की बहुत उसकी बात है कि हमारा भाई हमारा नहीं शहीद हुआ है जो कि समाज आज उसे याद कर रहे हैं कि 13 जनवरी को 10 बजे का प्रोग्राम रामलीला ग्राउंड में दिल्ली रखा गया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी संख्या में पहुँचेंगे अधिक से अधिक संख्या में पहुँचने की कोशिश करेंगे। हम अपने भाई की प्रतिमा लेने के लिए दिल्ली रामलीला मैदान में सभी लोग भारी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे भाइयों को शहीद की उपाधि दी गई है जो भी 2 अप्रैल के दंगे में शहीद हुए हैं। पारिया की मम्मी बोल रही हूँ और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है मेरा बेटा जवान 2 अप्रैल में शहीद हुआ और सभी लोग मेरे बच्चे की खुशी मना कर और रामलीला ग्राउंड में जाएंगे दिल्ली और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे गोपी पारिया शहीद हुआ था और कुछ लोग दिल्ली से आए थे उन्होंने हमें आमंत्रित किया है कि 13 जनवरी को रामलीला मैदान दिल्ली में एक प्रोग्राम रखा है जो 2 अप्रैल में 13 बच्चे शहीद हुए हैं उनकी सबकी प्रतिमा बनाई गई है और गांव से सोबापुर से अधिक लोग मेरा तो कहना ये है कि जन समूह जाए वहाँ पे और जो जिस व्यक्तियों ने ये प्रोग्राम रखा है पहले तो हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं क्योंकि समाज में कोई ऐसा काम करता नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने प्रतिमा वहाँ पे दी जाएगी उसको बड़े सम्मान के साथ लाकर हम अपने गांव में स्थापित करेंगे। इसी के साथ जय भीम नमो बुद्धाय।